नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल नर्सिंग कॉलेज की मान्यता रद्द होने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सौंपा ज्ञापन। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल से। राज्य सरकार के सर्वेक्षण उपरांत वर्तमान सत्र में बैतूल जिले के मारुति नर्सिंग कॉलेज, अग्रसेन नर्सिंग कॉलेज, वेदांत नर्सिंग कॉलेज सहित अन्य नर्सिंग कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है। इन कॉलेज में विगत 4 वर्षों से विद्यार्थी निरंतर पढ़ाई कर रहे हैं और निर्धारित शुल्क भी अदा करते रहे हैं। इन कॉलेजों द्वारा विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं ली गई है। ऐसे में जब राज्य सरकार के सर्वेक्षण करने पर इन कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है, जिससे विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में हो गया है। यहाँ पर विचारणीय प्रश्न यह है कि कॉलेज नियमों का पालन नहीं करते हैं तो ये कॉलेज प्रबंधन की गलती है, न कि विद्यार्थियों की। लेकिन यहाँ पर कॉलेज की गलती का खामियाजा आज विद्यार्थी भुगत रहे हैं। यदि समय रहते राज्य सरकार इन नर्सिंग कॉलेज के मामले में संज्ञान ले लेती तो आज यहाँ अध्ययनरत छात्रों का भविष्य अंधकार में नहीं होता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिला कलेक्टर एवं कुलपति MPMS विश्वविद्यालय को ज्ञापन सौंपते हुए आग्रह किया है कि छात्रों के हित को देखते हुए जिले में नर्सिंग कॉलेज में अध्ययनरत नियमित छात्रों की परीक्षा आयोजित करते हुए उन्हें डिप्लोमा दिया जाए, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। क्या नाम है? मेरा नाम अनुराग कजोड़े है, मैं मारुति कॉलेज से बिलोंग करता हूँ। क्या जो हमारा 5 साल से नर्सिंग विद्यार्थियों का एग्जाम नहीं हुआ था, BSc नर्सिंग वालों का, कहीं ना कहीं दूसरे सेशन मतलब दूसरे सब्जेक्ट वालों को एग्जाम ले रही है यूनिवर्सिटी या फिर गवर्नमेंट, पर हम लोगों ने क्या किया जो हमारा एग्जाम नहीं ले रही। हमारी कोई गलती नहीं है इन चीज़ों में। जो 2019-20, 21-22, 22-23 और 23-24 इन लोगों के बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं और सभी बैतूल ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण क्या है यहाँ के बच्चे इतने एबल नहीं है कि अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। और अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते तो यहाँ नहीं पढ़ते कहीं ना कहीं बच्चे। 8 कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी गई है, इसके लिए कहीं ना कहीं बच्चों को फेस करना पड़ रहा है चीजें। और बच्चा फेस कर रहा है तो उसके जो पेरेंट्स है वो कहीं ना कहीं ही प्रॉब्लम में है, और बच्चा इन चीजों के कारण का सुसाइड अगर सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है तो कहीं ना कहीं इसके लिए राज्य सरकार रिस्पॉन्सिबल होगी। आपने प्रबंधन से बात की कि हमारे एग्जाम क्यों नहीं हो रहे, क्या कारण है? हमने और हमारे कॉलेज वालों मतलब अदर और कॉलेज वालों के बच्चों ने, सभी लोगों ने अपने कॉलेज से बात करी तो कॉलेज वाले सेटिस्फाइंग आंसर ये देते हैं कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हम आज नहीं तो कल कुछ करेंगे। पर हम 3 साल से यही 3 से 4 साल से हमको यही सुनने को मिल रहा है कि हम कुछ ना कुछ करेंगे, और आज तक के बच्चा लटक रहा है इन्हीं चीजों में, डिले होते जा रहा है। मान्यता रद्द होने के कारण ये बताया कि आपकी बिल्डिंग प्रॉपर नहीं है, जबकि हमारे कॉलेज मारुति कॉलेज या अदर और कोई कॉलेज की जो मान्यता है वो जो बिल्डिंग की है वो 2400 square feet से ऊपर होना चाहिए, तो ये हमारे कॉलेज की है अभी। और कुछ ऐसे कारण है जिनने की पहले से गवर्नमेंट चल मतलब पहले से हमारे कॉलेज चल रहे हुए, आज से नहीं 2016 से हम लोगों कॉलेज और अन्य बैतूल के कॉलेज चल रहे हैं। तो जो नर्सिंग काउंसिल है या फिर जो राज्य सरकार है उनने अभी क्यों इस चीज को ऐसा किया, पहले भी कर सकते थे। 2016 से कॉलेज कहीं ना कहीं आज चल रहा था, हमारी बीच में ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा सरकार से मांगे। आपका कहना है कि 5 साल से एग्जाम जी 5 साल से एग्जाम नहीं हो पाया। 5 साल में आपने कभी इसकी आवाज नहीं भाई इसके पहले हम लोगों ने 3 बार इसके मतलब पिछले साल 2022 में 2023 में भी हम लोगों ने इसके लिए ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय जी को, और MPMSU यूनिवर्सिटी भी जाके हमने ज्ञापन दे चुके हैं। मेरा BSc नर्सिंग वैसे 4 साल का है पर 5 साल के सेशन में कंप्लीट होता है, पर आज तक के हमारा फर्स्ट ईयर का भी एग्जाम नहीं हो पाया है। गलती कहीं ना कहीं आपकी भी है ना, 5 साल से आप पढ़ रहे हैं उसके बाद भी आप प्रबंधन से ये नहीं कह पा रहे कि हमारे एग्जाम फेल हो। हम लोगों ने आज नहीं, हमने यूनिवर्सिटी से कॉलेज से कलेक्ट्रेट से सभी जगह हमने आवाज उठाई है, पर हमको इसका कहीं निराकरण नहीं मिला है। आज मतलब आज हम ये 5वीं बार हरताश हो के यहाँ फिर से आए कि हमको कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ ना कुछ कर